प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोनभद्र में चुनावी जनसभा में कहा कि मोदी सरकार में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परिदृश्य बदला है। देश में गरीबों को मुफ्त राशन हो या चिकित्सा के लिए आयुष्मान कार्ड या फिर रहने के लिए पक्का घर मिला है। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की अपनी नीति के आधार पर सबको एकजुट भी करने का काम किया है। स्थानीय नगर निकाय चुनाव में सोनभद्र जिले के समस्त भाजपा और उनके घटक दलों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अब यहां गुंडे माफिया और अपराधियों का राज नहीं है, अब यहां व्यवसायी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, देश की आजादी का जब 100 वर्ष हम पूरा करेंगे 2047 में, तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़े होंगे। दुनिया तमाशा देखेगी, बहुत तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ बदल गया है। 2017 के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे, बदमाश, लफंगे लोग मानते थे उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में गुंडे रहते हैं, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन खराब था, वो उद्योगपति आना नहीं चाहते थे। समाजवादी पार्टी के लोग जब इन्वेस्टर सबमिट करते थे तो बंबई और दिल्ली में कर करके एटीसी कर लेते थे। लेकिन 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी है, हमने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में कोई आदर्श क्रिमिनल आज नहीं है, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर के चले गए।